डियर स्टूडेंट, हमारे क्लास की सिक्स इंग्लिश मीडियम बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10। सिक्स सी में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10, एक्सरसाइज 10.1। तो देखो, सबसे पहले क्या है इसमें आज ये है मेंसुरेशन पार्ट है। मेंसुरेशन ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल द साइड ऑफ एनी फिगर इज नोन एज द पेरीमीटर। तो सब आप जैसे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जैसे यहां पर अपने स्क्वायर बना, स्क्वायर क्या होगा आर साइड इक्वल होता है, ठीक है। इसका पेरीमीटर आ जाएगा क्या, सम ऑफ ऑल ए प्लस के प्लस के प्लस ए इक्वल टू 1 इक्वल टू 4 ए। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए मींस 4 इनटू साइड। सिमिलरली इसी तरीके से हम बता सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स। ये रेक्टेंगल्स है, इसका लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ ऑफ तो देखो ये आ जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स लेंथ प्लस ब्रेथ इज लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस टू ब्रेथ, कॉमन हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। दिस इज थर्ड सेकंड, थर्ड आ गया पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल एंगल्स। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्विलेटरल, आर एंगल्स ले सकते हैं, एक सामने ए बी के सामने भी सी। तो पेरीमीटर ऑफ एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स साइड ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल्स। तो ये है पेरीमीटर और इसके बेस में हम एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन पर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग figures ये बहुत सारे आपको दिए गए फिगर्स, उसके पेरीमीटर निकालना है, मैं सबका वन में बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये फिगर बना है आपको, ये 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब इसका देखो पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर क्या है, सबको प्लस जितने भी साइड है ना सबको प्लस करना है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू कितना आएगा 4, 9, 10, 12 सेंटीमीटर, है ना। आंसर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर टू देखो, द लीड ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स, द लीड ऑफ ए रेक्टेंगल बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर is sealed. It is sealed. All round. With tape. With tape. What is the length of the tape required? What is the length? What is the length of the tape required? तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ये एक रेक्टेंगल बॉक्स है ना, इसके एरिया लिखा है, इसमें एरिया दिया है और इसका लेंथ है 4 बाई 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, इसको सील कर दिया है और इसका एरिया है सॉल्यूशन देखो, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एरिया का फार्मूला। ओके, आपका एरिया इसमें द लीड ऑफ, अच्छा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, अच्छा इसको पूरा का पूरा कवर करने में पैक करने में कितना टेप लगेगा, इससे भी निकलेगा जो टेप रिक्वायर्ड टेप है रिक्वायर्ड टोटल लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ टेप इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को अपन क्या ले सकते हैं, 1 मीटर, 1 मीटर। तो ऐसे करके लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आप हम बताते हैं कुछ दूसरा, ऐसे इसके सारे क्वेश्चन है आराम से आप लगा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन आप तक लेटेस्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं, एक्सरसाइज 10.2। तो ये दोनों फार्मूला है, ठीक है। अब देखो बहुत ही आसान, इसके क्वेश्चन से बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर देखो ये इस टाइप से आपके पास बना हुआ है ऐसे, और यहाँ पर देखो ये ऐसे डायग्राम बना है रूप में, पर इसका पहला क्वेश्चन है ए पार्ट और बोलता है इसका एरिया बताना है, मिल करके। तो यहाँ पर खुद देख सकते हो लेंथ कितना है, 1 कितने बॉक्स है 3, यहाँ 1 3, ये भी कितना है 3। तो अगर लेंथ और ब्रेथ सेम रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर है ना।
तो यहां पर आ जाएगा इसका एरिया इज इक्वल टू साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर कोई यूनिट नहीं है तो 9 स्क्वायर और हम ऐसे यूनिट लिख करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 10.1 और 10.2 आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, और बाकी जो नहीं बनेगा वह हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।